नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे IRCTC का बुक टिकट का बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके कोई भी स्टेशन से जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी अवेलेबल हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उधर जाके मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते हो। मैं इससे पहले IRCTC का ID कैसे बनाता है, फ़ोन पे से IRCTC का टिकट कैसे बुक करते हैं, फ़ोन पे से IRCTC का टिकट कैसे कैंसिल करते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब उधर जाके मेरा वो सब वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। तो गूगल पे जाके सबसे पहले लिखना पड़ेगा IRCTC। तो IRCTC लिखने से IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसका जो लिंक आ गया उसमें हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए क्लिक कर देते। तो क्लिक करने से IRCTC का जो ऑफिशियल होम पेज होता है वो आ जाएगा। तो ऊपर में जो रेड कलर का लॉगिन बटन दिख रहा है, उसमें हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर देते। लॉगिन पे क्लिक करने से लॉगिन पेज आ जाएगा। तो इधर से हमको लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको यूज़र आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहा है वही कैप्चा इधर डालना पड़ेगा। कैप्चा डाल के नीचे जो साइन इन बटन दिख रहा है, साइन इन करने से साइन इन हो जाएगा। तो चलिए कैप्चा डाल देते। कैप्चा डालने के बाद नीचे जो ब्लू कलर का साइन इन बटन दिख रहा है वो साइन इन बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो साइन इन बटन में क्लिक करने से IRCTC लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद ऊपर में राइट साइड में जो माय अकाउंट दिख रहा है उसमें हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए माय अकाउंट पे चला जाते हैं। माय अकाउंट पे जाने के बाद उधर जो माय ट्रांजैक्शन दिख रहा है, माय ट्रांजैक्शन में जाएंगे। उसके बाद जो बुक टिकट हिस्ट्री दिख रहा है उसमें हम क्लिक कर देंगे। तो बुक टिकट हिस्ट्री में क्लिक करने से जितना भी टिकट मेरा बुक्ड हुआ है वो सब दिखेगा। अभी हम जो टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं उसमें चला जाएंगे। तो लास्ट में जो टिकट दिख रहा है उसका बोर्डिंग पॉइंट हम चेंज करना चाहते हैं तो उसमें चला जाएंगे। उसमें जाने के बाद उसको एक बार क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। तो चलिए क्लिक कर देते। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में दिखा रहा है, इसका बोर्डिंग स्टेशन दिखा रहा है जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी को हम चेंज करेंगे। तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने से चेंज बोर्डिंग पॉइंट जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें हम क्लिक कर देंगे। तो चेंज बोर्डिंग पॉइंट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने से इधर देखिए स्टेशन दिखा रहा है, सिलेक्ट बोर्डिंग स्टेशन। तो इधर से हम न्यू जलपाईगुड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी हम बोर्डिंग स्टेशन करना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी को सिलेक्ट कर देंगे। करने से इधर एक कन्फर्मेशन मैसेज आ गया कि हम चाहते हैं क्या नहीं, तो इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने से बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ऊपर में राइट साइड में देखिए दिखा रहा है सक्सेस, बोर्डिंग पॉइंट हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बोर्डिंग स्टेशन चेंज हो गया। अभी इधर भी दिखा रहा है, देखिए न्यू जलपाईगुड़ी दिखा रहा है बोर्डिंग पॉइंट स्टेशन। ठीक है, तो हम इधर से एक प्रिंट ई टिकट करके रख देंगे। तो प्रिंट ई टिकट में चला जाएंगे। प्रिंट ई टिकट करने से ऐसा एक पेज आ जाएगा टिकट का। तो इधर भी हमको दिखेगा बोर्डिंग पॉइंट, न्यू जो बोर्डिंग पॉइंट किया है वही इधर दिखेगा। तो इधर से हम इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो हमारा बोर्डिंग पॉइंट ऐसे ही चेंज हो गया। तो ऐसे ही हमारा बोर्डिंग पॉइंट चेंज करते। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, हैव ए नाइस डे।